या तंत्र आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास कोई नहाया है, जरा सा भी नहीं नैतिकता का कोई जरा सा पानी बचा है इनके आंखों में। बीजेपी आंख दिखा रही, तो बीजेपी समर्थन वापस क्यों नहीं लेती है? इस बात के लिए बीजेपी पूरे आधा तौर पर समर्थित है। इसमें जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गड़बड़ा रहा है, और बीते रोज भी बीती शाम एक जगह पुनाई चक जो चीफ मिनिस्टर का आवास हो, राजभवन हो, उससे महज 1 किलोमीटर के दायरे में ही है, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, और जो स्टेशन मैनेजर हैं पटना में इंडिगो एयरलाइंस के, उनकी हत्या हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष आपकी पार्टी के, वो भी जो है इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी के लोग भी इस पूरे मामले पर ट्विटर पर से लेकर के हर जगह जो है हमलावर हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, नीतीश कुमार जी के अंदर में जरा सा भी शर्म और हाया बचा है तो उनको उस पद का प्रत्याग करना चाहिए। बिहार इन दिनों आतंक राज के दौर से गुजर रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां 20-25 हत्याएं नहीं हो जाती है बिहार के अंदर में, जब यहां आम और आवाम सुरक्षित नहीं है। पटना राजधानी जहां पौष इलाका, जहां दम भरते हैं इनके भाषाई आतंकी नेता लोग, वहां लोग महफूज नहीं है। रुपेश जी जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे, उनको जिस तरह से रात में कल हत्या कर गई शाम में, कोई हर व्यक्ति के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि भाई हम निकल रहे हैं घर से, वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, या आतंक राज है। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास कोई नहाया है, जरा सा भी नहीं नैतिकता का कोई जरा सा पानी बचा है इनके आंखों में। बीजेपी आंख दिखा रही, तो बीजेपी समर्थन वापस क्यों नहीं लेती है? इस बात के लिए बीजेपी पूरे आधा तौर पर समर्थित है। भाजपा का साथ मैंने सत्ता में बैठ करके मलाई खाइएगा, अब नया दिखाइएगा, रंग दिखाइएगा, अब रंग दिखाए, वापस समर्थन वापस लीजिए, गृह सरकार को भगाइए ऐसे लोगों को। मगर जनता दल यू के नेताओं से, प्रवक्ता से जब भी सवाल पूछे जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर, वो आप लोगों पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, साथ ही साथ कहने लगते हैं कि आप तुलना कीजिए उस पुराने राज से। ये इनके अनपढ़ और गवार प्रवक्ता हैं। 2000-2005 के बीच के आंकड़े उठा करके देख लीजिए और अभी के समय के आंकड़े देखा जाए, जंगल राज के भी कानून होते हैं। अरे तो आतंक राज है ये, भाषाई आतंकी प्रवक्ताओं से क्यों पूछते हैं जिनके पास शब्दकोश बिल्कुल कंगाल हो चुका है, दरिद्रता के अधीन है ये लोग, भाषाई दरिद्रता के अधीन है, कोई शब्द है इनके पास क्या? 15 साल से राज चला रहे हैं अंग्रेज और बता रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। मगर एक और, आप जैसे नेता या आपकी पार्टी के बड़े नेता तेजस्वी जैसे लोग या जगदानंद जैसे लोग हमलावर भी हैं, एक और आप ही के पार्टी के लोग इनवाइट भी कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ जाने की भी बातचीत दिखाई। कौन हमारे यहाँ नीतीश कुमार, हमारे नेता ना, हमारे नेता ना, गलत बात है। हमें लगता है कहीं से ये खबर जो है मिथ्या उठ गई है। हमारे 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 नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पर अपनी बातें स्पष्ट कर दी है, इसलिए ये बात मन में नहीं आनी चाहिए। बिहार में आतंक राज है, अपराधी बेलगाम है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, खौफ के साए में जीने पर विवश है, जो घर से निकलता है शाम को वापस लौटे या कितने लौटेगा, परिवारों के अंदर में ऐसी अंदेशा बनी रहती है। ये राज नहीं, आतंक राज है। अरे हम क्या आपके जदयू के विधायकों ने भी माना कि आतंक राज है? अरे जंगल राज के भी कानून होते हैं, ये समझ लेनी चाहिए इन लोगों को।